अभिनंदन के पात्र हैं आज समाज से आए हुए वो विशिष्ट प्रतिनिधि जो सेवा पखवाड़ा के संकल्प के साथ जुड़े हैं। ये मंच शिक्षा का मंच है। इस मंच पर मुझे अरुण जी को नरेंद्र भाई मोदी के प्रतिनिधि के नाते आपने आमंत्रित किया, सर्वप्रथम तो उसके लिए मेरी ओर से अरुण जी की ओर से आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ। लोग कई बार उत्सुक रहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है, लेकिन आज अगर इस पर्दे के पीछे कोई नजर डाले तो मानवता अपने आप को कैसे परिभाषित करती है उसका एक प्रतिबिंब मिलेगा। वैसे तो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का था कि हम सेवा का पखवाड़ा करें, और ये संकल्प 20 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के परिवार के कार्यकर्ताओं का। लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि आज का दिन मात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता का जन्मदिन नहीं, मात्र देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन नहीं, आज एक प्रधान सेवक को प्रणाम करते हुए मानवता का कार्य जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अक्सर ये देखा जाता है कि जन्मदिन का अवसर एक ऐसा अवसर है जब जश्न होता है, सेलिब्रेशन होता है, और इंसान जो व्यक्ति विशेष है उस दिन का उसका महिमा मंडन होता है। ये नरेंद्र भाई की खासियत है कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को ये प्रेरणा दी कि अगर उत्सव ही मनाना है तो सेवा का उत्सव मनाओ, क्योंकि वही सेवा का संस्कार हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। आज मैं हिमानी जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, माफी चाहूंगी जो पुरुष विराजमान है, क्योंकि मानवता की जननी माँ, उसकी सबसे बड़ी सेवा तब होती है जब उसके परिवार का स्वास्थ्य बरकरार हो। आज हेल्थ कैंप के माध्यम से आपने समाज में ये सेवा दी, उसके लिए आपका आभार। जब यहाँ पर सर्टिफिकेट का वितरण हो रहा था तो मुझे सिंह साहब ने कहा कि ये प्रोजेक्ट हिमानी का है। अक्सर देखा जाता है कि पतिदेव को मजबूरन कभी न कभी पत्नी के आदेश अनुसार चलना पड़ता है, कोई ना कोई काम करना पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमानी जी आपने पतिदेव को मजबूर अगर किया तो गरीब और वो महिला जिसके उत्थान से समाज का उत्थान संभव है उसकी मदद करने के लिए आपने परिवार में अपने प्रस्ताव दिया। जिस जोश और खरोश के साथ अभी अभी संचालक महोदया ने मेरा यहां पर परिचय करवाया, कुछ लोगों को लगेगा कि आरजे ने परिचय कराया है तो तड़ाकेदार बड़ाकेदार कोई भाषण होगा, लेकिन अभी अभी खून दिया है। तो मैं इतना कहना चाहूंगी, रक्तदान जो किया है कल उसकी शुरुआत भी एक भव्य रूप में इसी प्रांगण में होगी। रक्तदान मतलब जीवन दान, ये हमने सुना था, लेकिन जीवन दान देने के लिए एक साथ 5,000 लोग एकत्रित होंगे, ये इतिहास बनते पहली बार हम कल देख पाएंगे। इस इतिहास में आप सब सम्मिलित हों, ना सिर्फ ये मेरी अभिलाषा है बल्कि इतिहास में सम्मिलित होने के साथ साथ आप स्वस्थ रहें, ऐसी प्रभु से कामना है। नरेंद्र मोदी अ मैन वी सेलिब्रेट टुडे एंड सिंस देयर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव गैदर्ड,
is now not reduced to just a human face of leadership. He has evolved into a movement. A movement that says, you know of your rights, now know of your responsibility towards your nation state and towards society at large. आज यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं, आप सबके लिए एक विशेष कामना है। हमारे देश के इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर से एक प्रधान सेवक ने पहली बार राष्ट्र का एक संकल्प लिया कि आगामी 25 साल हिंदुस्तान में किस प्रकार से हम योगदान देंगे कि जब हिंदुस्तान 100 वर्ष मनाए अपनी आजादी के, तो गौरव कर सके न सिर्फ खुद पर बल्कि विश्व भर की निगाह जब हिंदुस्तान पर पड़े तो कहे हाँ, ये वो भारत है जो मार्ग प्रशस्त करेगा पूरी दुनिया के लिए। और आज से 25 साल बाद जो आज धरोहर बुनी जा रही है, उसका सेवन, उसका नेतृत्व आप सब करेंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सेवा के संकल्प के साथ जब आप सम्मिलित हुए हैं, तो इस बात का ये संकेत है कि जिस नव भारत के निर्माण की कल्पना नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व के सम्मुख प्रस्तुत की, उसकी नींव का उदाहरण अगर कभी दिया जाएगा तो वो नींव का उदाहरण आज का ये कार्यक्रम होगा। सर्विस बिफोर सेल्फ, उसको परिभाषित करता हुआ आज का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आप सबका अभिनंदन। और जो कल आप अटेम्प्ट करने वाले हैं एक इतिहास रचने की, वो इतिहास मानवता के किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, ऐसी एक बार फिर आप सबको शुभकामना। आप सब अगर उचित समझें तो नरेंद्र भाई को अगर यहाँ से विश करना हो, क्योंकि पहली बार देखा गया है कि शेर ने चीतों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है, तो अगर आप सबको मंजूर हो एक स्वर में भारत माँ का जय घोष करें, नरेंद्र भाई के लिए जन्मदिन की शुभकामना उसी जय घोष में है, तो बोलो भारत माता की जय।